हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है द टेकी जोन पे। आपके लिए एक वीडियो लेके आ गया हूँ मैं, जिसके अंदर मैं आपको अगले मंथ के अगले वीक के अंदर आने वाले टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में बताने जाऊँगा। वीडियो पूरी देखना, अगर पसंद आए तो लाइक करना, नहीं तो नीचे एक डिसलाइक का भी ऑप्शन होगा इस साइड में, उस पर डिसलाइक कर देना और नीचे सब्सक्राइब भी मत करना जब तक आपको पसंद ना आए। तो एक बार इंट्रो देख के फिर आगे मिलते हैं आप। रियलमी, रेडमी और हुआवे की आ रही है P40 सीरीज, जो P30 और P30 प्रो की सक्सेसर होगी। इसके अंदर P40 और P40 प्रो आएंगे। रेडमी ला रही है Mi 10, जो रेडमी का फर्स्ट 5G फ़ोन होगा इंडिया के अंदर, किलर स्पेक्स के साथ आएगा। और रियलमी भी इसके अंदर बैती गंगा में हाथ धोने के लिए आ रही है, जो लाएगी अपना नार्जो सीरीज। नार्जो का अभी कोई पता नहीं, नार्जो क्या चीज़ है कुछ भी नहीं पता नार्जो के बारे में, लेकिन आपको नार्जो मिलेगी। लेकिन ये कोई मुझे नहीं लगता ये काम की होगी, क्योंकि इसमें स्पेक्स जो सामने आ रहे हैं मुकुल भाई ने अभी ट्वीट करके बता दिए थे, रियलमी 6 के स्पेक्स लग रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते कि ये हिट होगी। रियलमी नार्जो के अंदर नार्जो 10 और नार्जो 10A आएंगे। तो हम बात कर लेते हैं पहले नार्जो 10 की। नार्जो 10 अभी सक्सेसर होगा किसी का भी नहीं, ये एक ब्रांड न्यू सीरीज लाइनअप होगा बजट सेगमेंट के अंदर रियलमी का। तो रियलमी इसके अंदर एक 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप लॉन्च करेगी, जिसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो आज सुबह ही माधव सेठ ने ट्वीट कर दिया था, जिसके अंदर र्यूमर है कि हीलियो G80 प्रोसेसर होगा, मीडियाटेक का हीलियो G80, जो अभी लेटेस्ट ही है। और 6.5 इंच की एक डिस्प्ले होगी, इसका कंफर्मेशन नहीं है ये IPS होगी या AMOLED होगी, ठीक है। रियलमी UI इसके अंदर आउट ऑफ बॉक्स मिलेगी, आपको एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ बॉक्स मिलेगा, और सेम एज रियलमी 6 आएगी। रियलमी ने इस पर एक टीजर भी मार दिया था, उस टीजर के अंदर कुछ खास नहीं लग रहा था, एक बस ऐसे लग रहा है जैसे यूथ के लिए टारगेट किया गया है इसके अंदर, और कुछ खास नहीं लग रहा मुझे रियलमी के अंदर नार्जो सीरीज़ के अंदर, जिसका अभी पता भी सेंस भी नहीं पता कि नार्जो का मतलब क्या है। तो आप पता कीजिए ये नार्जो का मतलब क्या है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताना, मैं आपके कमेंट का वेट कर। अब आगे बात कर लेते हैं रियलमी का ही दूसरा फ़ोन नार्जो 10, नार्जो 10A। नार्जो 10 की बात कर लिया हमने, नार्जो 10A की बात करते हैं। ये नार्जो 10 का छोटा भाई मान लो, यंग ब्रदर मान लो, जिसमें भी उसी की तरह बैड से फीचर होंगे, कोई काम का मुझे भी ये भी नहीं लग रहा। और ये सेम एज रियलमी 10 नार्जो होगा, जिसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा आपको, जो आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि इतना फेमस हो जाएगा, क्योंकि 10A और ऊपर से प्राइस कह रहे हैं इसकी 12 से 13 हज़ार के बीच में अभी तक, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा प्राइस अगर रियलमी रखता है तो ये हिट हो जाएगा। 10K के लगभग इसकी प्राइस हो जाएगी, वाटर टॉप नोट्स के साथ आएगा, और इसके अंदर आपको 5000 mAh की फिर से बैटरी देखने को मिलेगी, जो कुछ खास नहीं लग रहा। तो आप इस नार्जो सीरीज़ के लिए जो सोचते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार जाके बता दीजिए, और लाइक डिसलाइक आपके हाथ में है। तो नार्जो सीरीज़ की बात हमने कर ली, अब हम अगली ब्रांड पे चलते हैं। अगली ब्रांड पे हम आ गए हैं रेडमी पे। रेडमी एक स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम होगा रेडमी K30 Pro। एक Mi 10 भी लॉन्च करेगी, लेकिन Mi 10 इंडिया के अंदर जाएगा, K30 Pro चाइना के अंदर जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ K30 Pro की, Mi 10 की हम बाद में बात कर लेंगे अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि Mi 10 अभी लॉन्च होने जा रहा है 5G के साथ, K30 Pro भी 5G के साथ आएगा, K30 Pro की बात करते हैं। तो K30 Pro की बात बताता हूँ आपको। K30 Pro के अंदर स्नैपड्रैगन 865 फुल वर्जन 865 के साथ आएगी, 8K वीडियो रेजोल्यूशन, वीडियो शूटिंग, OLED डिस्प्ले 60Hz की अभी तक बात आ रही है, लेकिन 60Hz हुआ तो ये फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी 120Hz लॉन्च कर चुके हैं ये 8K रेजोल्यूशन के साथ। इसके अंदर आती है यहाँ पे UFS 3.1 और LPDDR5 RAM, जो आपको रीड एंड राइट की मेमोरी की स्पीड होगी वो काफ़ी तेज़ देखने को मिल सकती है आपको इसके अंदर। जो इंडिया के अंदर जो लीक्स आ रही है या र्यूमर आ रहे हैं, जैसे मुकुल भाई ने बताया, ये शायद तक POCO F2 हो सकता है, जो इंडिया के अंदर POCO F2 एज ए POCO F2 आए, क्योंकि POCO F2 के फैंस बहुत इसका वेट कर रहे हैं। पोको ने भी एक वो कोरोना वायरस वाला एक ट्वीट डाला था, लेकिन वो कोरोना वायरस के साथ साथ POCO F2 को भी टीज़ कर रहे थे, वो POCO F2 ही है श्योर है ये। और POCO F2 के लिए र्यूमर आ रहे हैं कि ये POCO F2 होगा, क्योंकि POCO के फैंस पिछले 1.5 साल से इसी का वेट कर रहे हैं कि POCO F2 कब आए। POCO ने X2 ला दिया, लेकिन F2 का वेट ऐसा हमें, POCO F2 कब आएगा, POCO F2 का वेट कर रहे हैं, POCO F2 आने दीजिए। इसके अंदर आपको पॉपअप सेल्फी देखने को मिलेगी, जिसके साथ जो पॉपअप होगा उसके ऊपर आपको अलग अलग टाइप की लाइट देखने को मिलेगी, जिसके कारण काफ़ी अच्छा एनिमेशन लगेगा आपको,
पोको ऊपर उठेगा जब उसके अंदर अलग अलग तरह की लाइट्स होगी, तो वो भी एक कूल फीचर होगा जो यूथ के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो ये रेडमी की सीरीज़ के अंदर पहला फ्लैगशिप नहीं है, क्योंकि पहला फ्लैगशिप आ गया था K20 Pro, ये दूसरा फ्लैगशिप होगा और ये काफ़ी किलर स्पेक्स के साथ आ रहा है। वो तो ये काफ़ी अच्छा इंडिया के अंदर पोको F2 आ जाए, ज़रूर परचेज करेंगे सभी के सभी। ये बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा के अंदर जो ब्रांड है उसका नाम है हुआवे। हुआवे पे अभी बैन लगा दिया था गूगल ने, US ने बैन लगा दिया। गूगल कहता है मैं तेरे साथ रहूँगा, लेकिन US कहता है कि तू निकल यहाँ से जल्दी से, गूगल को साथ नहीं देंगे तेरा। गूगल भी चाहता है कि मैं हुआवे के साथ रहूँ, क्योंकि हुआवे के पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो हुआवे भी अपनी दो फ़ोन लॉन्च करेगा P40 सीरीज़ के अंदर, जो P30 और P30 Pro के सक्सेसर होंगे। P30 की बात करते हैं हम, P40 की बात करते हैं। P30 हो गया लॉन्च, P40 आ रहा है। P40 की बात करते हैं, P40 जो टारगेट करेगा, फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा, टारगेट करेगा सैमसंग की S20 जो लाइनअप अभी अपर प्राइमरी प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट के अंदर आया था उसके टारगेट करेगा, क्योंकि वो काफ़ी किलर स्पेक्स के आया था। तो वो अभी P40 सीरीज़ भी आ रही है इसी के लिए। किरिन 990 ट्रिपल कैमरा सेटअप, इनको कोई मतलब नहीं है, इनके जो कैमरा की जो प्रोसेसिंग होती है काफ़ी अच्छी होती है, जो हमने P30 के अंदर देख ली थी। P40 के अंदर भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आएगा, अल्ट्रा वाइड, टाइम ऑफ लाइट और प्राइमरी पंच और डिस्प्ले का सेटअप मिलेगा आपको। गूगल की सर्विस का कोई सपोर्ट नहीं है, मैं नहीं चाहता गूगल की सर्विस आ जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाए इंडियंस के लिए, लेकिन गूगल की सर्विस नहीं मिलेगी क्योंकि US ने बैन लगा दिया, इसलिए गूगल की सर्विस नहीं मिल रही आपको। तो P40 सीरीज़ कुछ इस प्रकार की होगी, P40 Pro भी आ रहा है इसके अंदर। आगे हम बात कर लेते हैं हुआवे P40 Pro की। हुआवे P40 Pro का हुआवे P30 Pro का सक्सेसर, जिसके अंदर आपको पता है हुआवे फ्लैगशिप प्रोसेसर की सीरीज है, उसके अंदर फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च होंगे। तो P40 भी कुछ इसी प्रकार का होगा। P40 Pro के अंदर होगा पेंटा कैमरा सेटअप। कैमरा सेटअप की बात करें तो उसके अंदर होगा 52 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेटअप, जिसके अंदर होगा सोनी IMX700 सीरीज। उसके बाद उसके अंदर होगा 40 मेगापिक्सल का एक जो होगा अल्ट्रा वाइड, उसके अंदर होगा आपके पास सोनी IMX650। एक 10x जूम का होगा और एक 3x जूम का होगा और एक टाइम ऑफ लाइट का सेंसर होगा। तो ये 5 कैमरा सेटअप का कुछ इस प्रकार का सेटअप होगा। उसके साथ आपको देखने को मिलेगा ड्यूल पंच होल सेल्फी। ड्यूल पंच होल सेल्फी आपको पता है काफ़ी क्रेज़ के अंदर आ गई है पोको X2 से। उसके साथ आपको OLED डिस्प्ले मिलेगा, कर्व्ड OLED डिस्प्ले। कर्व्ड OLED डिस्प्ले के साथ आपको 120Hz डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट मिलेगा, इम्प्रेसिव रिफ्रेश रेट होगा। तो ये हुआ भी P40 सीरीज है। तो किरिन 990 के साथ आएगी जो 5G एनेबल्ड है और ये किलर स्पेक्स के साथ आएगी। होप है कि ये जल्दी से इंडिया के अंदर आ जाए, क्योंकि ये अभी ग्लोबली लॉन्च होने जाएगी, इंडिया के अंदर आपको जल्दी से देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है ये अच्छी लगे, सभी इसको परचेज कर सके, इंडिया के अंदर जल्दी से आ जाए। ये आपको इस साइट के अंदर एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको अगर सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस साइड में आपको दो वीडियो दिख रही होगी, उनमें से किसी भी वीडियो पे क्लिक कीजिए, आप जाके देखिए। एक Realme 6 Pro की होगी, एक नीचे और होगी, वो दोनों जाके देखिए, जो आपको अच्छे लगे। एक लाइक देके जाना, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो के अंदर।